हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है अब सेकंड सीरीज में ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन बीपीएससी असिस्टेंट सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। ठीक है, सो इसमें हम देखने जा रहे हैं आज आपके कुछ और क्वेश्चंस, है ना, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे। सो व्हेन जीएस बजाज कमिटी इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब ये जीएस बजाज कमिटी क्या है और कब बनी थी, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री देखा जाए तो एज पर ये कोड है आपका, ठीक है, ये आपकी मैनुअल टू है, मैनुअल टू के हिसाब से पूरी हिस्ट्री भी दी गई है पहले की, है ना, कि कब लगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब ज्यादा नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स लिए, वो लिए 2000 में, है ना। क्यों हुआ ऐसा, तो ऐसा जनरली जब प्लेग फैला था, कहां पे फैला था प्लेग, सूरत में 1994 में, तो जीएस बजाज कमेटी बनी, कब बनी, 1995 में, और किसने बनाया, प्लानिंग कमीशन ने। क्यों, क्योंकि ये प्लेग क्यों फैला था ये जानने के लिए, ठीक है, तो फिर इससे पता चला कि भाई वेस्ट के कारण ही ये सब ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो फिर कुछ अदर रूल्स लाए गए, इसके पूरा आपको टाइम फ्रेम गिवन है, 1989 में क्या हुआ, 1994 में नीरी ने पेपर निकाला, 1995 में जीएस बजाज कमेटी बनी, किसके लिए बनी, अर्बन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, फिर बायोमेडिकल वेस्ट रूल कब आया, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1995, है ना, बी हो जाएगा, जीएस बजाज कमेटी कब बनी, 1995 में। ओके, अब नेक्स्ट आपके एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में, जो कि है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की एक हायरार्की भी होती है, उसको भी देखेंगे, और ये सारी चीजें बताएं आपके कहां गिवन है, ये सारी चीजें आपके कोड में गिवन है, बस आप देखते नहीं है, ठीक है, बस आप देखते नहीं है, बाकी ये सारी चीजें आपके कोड में गिवन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कहां पे दिया हुआ है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आपको शायद और ऊपर दिया था, है ना, ये देखो, तो आपके सारे रूल्स हैं, स्टेप्स हैं, आगे ये स्टेप्स आपको पूरे डिफाइन भी किए गए हैं, 7 स्टेप्स हैं, कि अगर आपको कोई भी डेवलप करना है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, तो उसके ये 7 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है आपके, ठीक है, ये है आपका इंटीग्रेटेड, ये हाँ, ठीक है, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, सेम लाइन गिवन है आपके सिलेबस में। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, तो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा था, मोस्ट प्रीफर्ड ऑप्शन इन ISWM, मतलब इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की इज, तो सबसे सबसे जरूरी जो आपका है इसमें वो है सोर्स रिडक्शन एंड रीयूज, है ना। अब इसकी हायरार्की देखोगे आप तो चार हायरार्की में कुछ इस तरीके से गिवन है आपको। ठीक है, पहला आपको गिवन है, सबसे आप वेस्ट को अगर मैनेज करना चाहते हो तो आप क्या चाहोगे कि वेस्ट मिनिमम हो जाए, सोर्स पे ही कम हो जाए, वही एक तरीका है कि अगर किसी बच्चे को बहुत शैतानी आ रही है तो उसकी शैतानी कम ही कर दो आप, है ना, तो जहां से सीख रहा है वो सोर्स ही खत्म कर दो जहां से वो शैतानी करना सीख रहा है, है ना, कोई कार्टून देख के सीख रहा है या यूट्यूब देख के सीख रहा है या कोई आदमी उसको सिखा रहा है, तो वैसे यहां पे भी है, अगर आप कोई वेस्ट मैनेज करना चाहते हो तो सबसे पहले उसकी क्वांटिटी सोर्स पे ही रिड्यूस करो, दूसरा या अगर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो रिसाइकलिंग होगी, बायोडिग्रेडेबल है तो कंपोस्टिंग होगी, उसके बाद आप चाहो तो उसको वेस्ट टू एनर्जी मतलब इंसिनरेशन में ले जा सकते हो, उससे एनर्जी निकाल सकते हो, या फिर आखिरी ऑप्शन है लैंडफिल। ठीक है, आखिरी ऑप्शन है लैंडफिल, सबसे लीस्ट प्रीफर्ड ऑप्शन होता है, तो अगर मैंने आपको मोस्ट प्रीफर्ड पूछा था, अगर आपको लीस्ट प्रीफर्ड पूछे तो आप बोलोगे लैंडफिल। ठीक है, और यही सारी चीजें अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना, आप चाहो तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मात्र आपको अगर मार्केट में देखोगे तो हर जगह कम से कम आपको ये 6000 5000 ऐसे ही उसमें मिलेगा। ठीक है,
लेकिन हम लोग लेके आए हैं रिकॉर्डेड कोर्स ऑफ बीपीएससी इन ओनली 2000 रुपीज, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वैलिडिटी कितनी रखी गई है, 6 मंथ की वैलिडिटी रखी गई है, ठीक है। इसमें पेपर वन पेपर टू दोनों कवर होंगे, क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे, है ना। पेपर वन जीएस खत्म हो चुका है, पेपर टू में लास्ट सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है ईआईए का, ठीक है। तो इसलिए हमने रिकॉर्डेड ही निकाला, क्योंकि अब लाइव देखने का कोई वो नहीं है मतलब, है ना। तो आप रिकॉर्डेड ही ले सकते हो, और कोई भी डाउट रहने से आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो। मेरा नंबर है 7828609580, ठीक है। तो ऐसे ही डेली मिलते रहेंगे और भी ज्यादा क्वेश्चंस के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट।